माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास था कि आप आएंगे तो मैं बोल पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, 9 मिनट हो गए सर। नहीं, मंत्री को देते मंत्री जी को सीधे दे दीजिएगा, कुछ रह गया हो तो ठीक है। राजवीर जी, माननीय अध्यक्ष जी, जी जी थैंक यू, आपने मुझे रेल पर बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय मान्यवर, चलिए एटा और कासगंज ये दो जिले मेरी लोकसभा में आते हैं, और जब से ये देश आजाद हुआ 1947 के बाद, तब से और आज तक मेरे दोनों जिले रेलवे लाइन से नहीं जुड़े हैं। और पिछली बार जब खड़गे साहब थे तब भी सर्वे हुआ था। मान्यवर, एक मच्छर था एक मक्खी थी, इन दोनों में दोस्ती हो गई और प्यार इस हद तक चला गया कि लव मैरिज हो गई। 5-6 साल बाद जब वो किसी पार्टी में मिले तो लोगों ने पूछा कितने बच्चे हैं, बोले बच्चा कोई नहीं है। यार दोस्त, बोले 5-6 साल हो गए, बच्चा एक भी नहीं, ऐसा क्यों? माने अध्यक्ष जी, मच्छर बोला कि दिन में ये नहीं रहती और रात को मैं नहीं रहता हूं, इसलिए बच्चा नहीं हुआ। मक्खी दिन में नहीं रहती है, मच्छर रात को नहीं रहता, इसलिए बच्चा नहीं हुआ। मान्यवर, इसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो जब पैसा होता था तो योजना नहीं होती थी, और जब योजना होती थी तो पैसा नहीं होता था, इसलिए विकास रूपी बच्चा पैदा नहीं हुआ। मित्रों, आज माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारी सरकार के पास पैसा भी है, हमारी सरकार के पास योजनाएं भी हैं। मेरे एटा लोकसभा के बाद मान्यवर, मेरे बाद में बोलिएगा मैडम, ये बैठ जाइए, बैठिए। 29 किलोमीटर का रेल मार्ग अगर ये जुड़ जाएगा तो ये मान के चलिए कितनी लोकसभा ऐसी होंगी जहां इनको लाभ मिलेगा। मान्यवर, मेरी तरह से ही कुछ रेल बना की स्वीकृति और मिली है, बिहार में मिली है, चकाई जगह है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर को मिली है। उसी स्वीकृत लाइन में माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी रेल लाइन है, और मैं पूरे पेज लेके आया हूँ। 2018-19 में भी है, 2017-18 में भी है, केवल 29 किलोमीटर का राजमार्ग, ये रेलवे लाइन, ये स्वीकृति भी हो गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कैटेगरी की जितनी और रेल लाइनें हैं, मेरी रेल लाइन भी पैसे जारी कराने का कष्ट करेंगे, ऐसा निवेदन मैं आपके बीच में करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।